नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं सोनल टोपी वाला। कला जगत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में निधि वाही, जो एक आर्टिस्ट है, जो अपनी कला से किसी भी अनट्रेन को पेंटिंग करवा सकती है कैनवास पेपर पे। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। निधि जी, आपके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ परिचय दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हो, अभी आप कहाँ पे हो। नमस्ते, मेरा नाम निधि वाही है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अभी यहाँ सूरत में आर्ट इवेंट्स करवा रही हूँ। बेसिकली मैं अमृतसर से हूँ और वहाँ पे मतलब शादी के बाद मैं यहाँ सूरत में आई हूँ। मुझे यहाँ आए 4 साल हो गए हैं। तो अभी अभी फ़िलहाल पिछले 1 महीने से ही मैंने ये अपना एक कंपनी को ज्वाइन किया है, द क्रिम्सन कैनवस। उनके साथ मिलके मैं यहाँ पे आर्ट वर्कशॉप्स करवाती हूँ। मैडम, ये आपको पेंटिंग क्षेत्र को ही क्यों सिलेक्ट किया बचपन से? एक्चुअली मुझे जहाँ तक मुझे याद है, मतलब बचपन से ही मुझे आर्ट के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि थी। मैंने अपनी प्लस टू तक, मेरे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स थे, बट जैसे मैं ग्रेजुएशन में आई तो मुझे फाइन आर्ट्स को मैंने ऑप्ट किया और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मैंने कमर्शियल आर्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मैं कला के, मतलब जब भी मैंने आर्ट को चुना है तो मैंने 2 साल मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक होल्डर भी रही हूँ मैं। मतलब वहाँ पे भी मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले आर्ट के प्रति, आर्ट के रिलेटेड। तो उसी से मुझे पता लग गया था कि बस मुझे इसी फील्ड में ही आगे जाना है और ये मेरा पैशन है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट की नॉलेज दे सकूँ। द क्रिम्सन एंड कैनवास कंपनी क्या है, कहाँ से है और वो किस तरह से कार्य करती हो रहा? आप इस कंपनी के साथ किस तरह से जुड़े? द क्रिम्सन कैनवास कंपनी बेसिकली ये एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। मैंने इनका पेज इंस्टाग्राम पे देखा था और मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई थी कि जिस तरह से वो वहाँ पे आर्ट इवेंट्स करवा रहे थे और जैसे वो लोगों को एंगेज कर पा रहे थे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत ही पैशनेट हूँ अपने फील्ड को लेके, तो मैंने उनके साथ बात की, उनको अप्रोच किया कि मैं कुछ ऐसा सूरत में करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सूरत में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि ये एक न्यू ट्रेंड होगा कि यहाँ पे लोग आर्ट पार्टी के साथ, मतलब साथ साथ वो आर्ट को भी इंजॉय कर सकें और मैं ऐसे लोगों से भी जुड़ सकूँ जो आर्ट के फील्ड में से नहीं है लेकिन उनके अंदर भी एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है। तो इस उनका एक जो द क्रिम्सन कैनवास कंपनी है, उनका एक मोटिव है, जैसे वो इस चीज़ को बहुत बढ़ावा देते हैं कि एनीवन कैन पेंट। तो मुझे ये चीज़, ये टर्म बहुत पसंद आई कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आर्टिस्ट ही बने, हर किसी का प्रोफेशन अलग हो सकता है, लेकिन आर्ट का जो अंदर उनके एक अंदर एक आर्टिस्ट बनने का सपना रहता है तो उसको हम लोग पुश कर सकते हैं कि वो अपने इस खूबी को, जो इन अंदर की खूबी है, उसको भी वो जाहिर कर सकें। तो इसलिए मुझे उनका ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने उनको अप्रोच किया और उन्होंने मुझे बहुत सहायता की यहाँ पे अपनी फ्रेंचाइजी खोलने के लिए। तो फिर आप सूरत में किस तरह से कार्य करते हो, किस तरह के इवेंट करते हो, किस तरह से लोगों को उसमें जोड़ते हो और किस तरह से प्रेजेंट करते हो कि लोग उसको करें, उस पेंटिंग को करें? पेंटिंग तो किसी को करना ऐसे जनरली अच्छा नहीं लगता है, पर किस तरह से आप उनको अट्रैक्ट करती हो ये पेंटिंग करने के लिए? जैसे आप हमारा पेज वहाँ देखेंगे इंस्टाग्राम पे, बेसिकली हम यहाँ पे सोशल मीडिया को टारगेट ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग का ही ट्रेंड है। तो वहाँ पे हम शॉर्ट वीडियोस भी डालते हैं कि आप कैसे, मतलब जैसे मैंने बताया कि एनीवन कैन पेंट, तो हम एक शॉर्ट वीडियोस भी वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं कि जिससे हम लोग उन लोगों को अट्रैक्ट करें या उन लोगों से जुड़ सकें जो आर्ट को बहुत टफ समझते हैं। मुझे पता है कि हर किसी को आर्ट करना पसंद नहीं है या उनको लगता है कि इट्स वेरी टफ टू डू आर्ट, तो इसलिए हम उनको ये बताते हैं कि इट्स वेरी ईजी, अगर आप अच्छे से करना चाहो और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो आप कर सकते हो। तो इसीलिए फिर हम लोग उनको मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू ये अपने इवेंट्स के बारे में बताते हैं, कुछ पोस्ट डालते हैं। तो फिर आपको माउथ टू माउथ पे भी क्राउड आता होगा? माउथ टू माउथ अभी आना शुरू हो गया है क्योंकि अभी जैसे मेरे को 1 महीना ही हुआ है इसको, क्रिम्सन कैनवास कंपनी को यहाँ पे लाए हुए, सूरत में लाए हुए 1 मंथ ही हुआ है, तो अभी लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी को जानने लग गए हैं।
बट अदरवाइज स्टार्ट से हमने डिजिटल मार्केटिंग को ही टारगेट किया। तो आपने सूरत में पहली इवेंट कहाँ की और किस तरह से की और किस तरह से कितने लोग जुड़े थे आपके साथ? जैसे सूरत में पहला मेरा इवेंट 16 नवंबर को था, तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट इवेंट था, तो मैं बहुत नर्वस थी। वहाँ पे लोग, मैं इतने ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट फिर भी 10 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और वो सब बिगिनर्स थे और वो इतने खुश होके गए। उसमें से एक जो सबसे यंगेस्ट थी वो 5 साल की लड़की थी जो अपनी मदर के साथ वहाँ आई थी, बट उसने अपनी मदर को बिल्कुल पेंट करने नहीं दिया। तो ऐसे और उसमें से कुछ डॉक्टर्स भी थे। अभी तक मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे साथ हर फील्ड से लोग जुड़ रहे हैं। अभी तक सिर्फ मैंने 4 इवेंट्स ही करवाए हैं, लेकिन इंजीनियर से लेके हाउसवाइफ, डॉक्टर्स, सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लोगों को कैसा लगता है पेंटिंग करने के बाद? फ्रेंकली वो स्टार्टिंग में बहुत नर्वस रहते हैं, क्योंकि हमने उनको पहले ही बताया कि बिगिनर फ्रेंडली वर्कशॉप है, तो उनको स्टार्टिंग में लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे या वो बहुत डर के करते हैं। बट एज अ आर्टिस्ट मैं उनको ये गाइड करती हूँ कि आपको कुछ भी चीज़ को डर के पेंट नहीं करना है, आप उसको इंजॉय करके करो। तो मुझे अभी तक जिन लोगों को मैंने सिखाया, उनका आउटकम से वो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। उनको लगता ही नहीं था कि ये उन्होंने खुद से ही पेंट किया। वो लोग कि मैं भी पेंटर बन चुका है। हाँ। सबको आने लगी हो। और वो रिपीट पे मेरे से पूछते हैं कि मैम अब नेक्स्ट इवेंट में आप क्या करवाओगे। तो ये एंथुसियाज्म, मुझे बहुत पॉजिटिव एंथुसियाज्म मिल रहा है और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। पेंट टू एम्पावर, वो मिशन क्या है और वो मिशन के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? हाँ, ये मिशन जो है, ये जो द क्रिम्सन कैनवस कंपनी जो बैंगलोर बेस्ड उनका जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो जो मेरे पार्टनर्स हैं सेनिल गोमेज और विक्टर मोहन, ये दोनों एमबीबीएस स्टूडेंट हैं। जो विक्टर मोहन है वो यूएस में अभी मास्टर्स कर रहे हैं इन ग्लोबल हेल्थ। तो उनका वो यही चाहते थे स्टार्टिंग से कि वो सबको पेंट का ये दे सकें, ये सहूलियत दे सकें। बट ऐसा है कि कुछ लोग फ्रेंकली जो पेंट कलर्स या ये सब है, ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोग टिकट प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा कम रख रहे हैं स्टार्टिंग में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ये चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने इस टर्म को स्टार्ट किया, इस मिशन को स्टार्ट किया, पेंट टू एम्पावर। वहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने फंड्स, हम लोग कुछ फंड्स रखते हैं उनके लिए, और फिर वहाँ पे वो लोग गरीब बच्चों को, जैसे अनाथ आश्रम या उसमें जाके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। उनका जो एक वहाँ पे जो उनके साथ एक कंपनी, जो एक एनजीओ जुड़ा हुआ है, उसका नाम रीच लाइव्स है, और वहाँ पे वो कम से कम अभी तक 400 बच्चों को फ्री आर्ट की शिक्षा दे चुके हैं। तो जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा, मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट होने का ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था, कि मुझे उनका ये मिशन बहुत पसंद आया, कि जिसमें हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ वही लोग हमारे साथ जुड़े, हम उनको भी सिखाएंगे जो ये चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अभी जैसे मैंने सूरत में लास्ट मंथ ही एक इवेंट करवाया है डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्कूल में, तो वहाँ पे मेरे साथ 20 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया। तो मुझे लगता है कि जो वो आउटकम था और वो जो खुशी थी, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आपको बच्चों ने क्या रिव्यू क्या दिया? रिव्यू बच्चों ने तो पहली बार, तो उन्होंने कैनवस बोर्ड को पहली बार पकड़ा था और वो कलर्स उनके लिए बिल्कुल न्यू थे, तो वो स्टार्टिंग में बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं मैम हम कर पाएंगे। बट स्टेप बाय स्टेप मैं उनके साथ बनाती रही और एंड में जो रिजल्ट था वो बहुत ही सुंदर आया, सब ने बहुत अच्छे से बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्कूल को भी थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके स्कूल में आके ये सब कर सकूँ। Anyone can paint, वो क्या है? Anyone can paint, ये टर्म इसीलिए हम लोगों ने किया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरे पार्टनर्स हैं वो खुद पेंटिंग फील्ड से नहीं है, तो उनके अंदर भी लेकिन एक आर्टिस्ट था जिसके कारण उन्होंने इस कंपनी को शुरू किया। तो anyone can paint का मतलब यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट के फील्ड से ही हो या आपको आर्ट को ही एज ए करियर चुनना है तभी आप पेंटिंग को सीखोगे। Anyone can paint मतलब आप कोई भी फील्ड से हो, तो अगर आपके, आपको आर्ट के प्रति रुचि है, तो हम आपको वो चीज़ को सिखाएंगे और आपके उस रुचि को आगे लेके जाएंगे। जैसे आजकल मैम बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत लोग जैसे कुछ उनके वर्क की रिक्वायरमेंट्स ऐसी रहती हैं कि वो बहुत बिजी और स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो मुझे लगता है आर्ट से बेटर कुछ भी स्ट्रेस बस्टर नहीं है।
जब वो आप हम जब हम पेंट करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, हम लोग उस चीज़ को कलर्स को बहुत इंजॉय करते हैं. तो मेन हम लोग उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो ये चीज़ इंजॉय भी करें और इसको एज ए मेडिटेशन लें, इसको एज ए स्ट्रेस बस्टर लें. आप पेंटिंग करवाने से पहले जो आप आपके पास स्टूडेंट आए उनको माइंड कैसे पहले क्लियर करते हो? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे सेटअप को उनके सामने क्लियर करती हूँ कि आपको मैं क्या क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, किस चीज़ का क्या यूज़ करना है आपको. कि जैसे जो ब्रशेस के टाइप रहते हैं मैं उनको वो समझाती हूँ. सब लोग मैं मतलब हम लोग उनको पूरा क्लैरिटी देते हैं, फिर मैं उनके बारे उनसे पेंटिंग के बारे में डिस्कस करती हूँ. जो उस वर्कशॉप का मेरा टॉपिक रहता है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैं कि हम लोग लेयर बाय लेयर काम करेंगे तो सो दैट कि वो टेंशन में नहीं आए कि उनको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. इट्स नॉट लाइक दैट कि उनको आज कोई एग्ज़ाम है और ये पेपर दे के जाना है. मतलब ये है कि वो यहाँ आए और इस पेंटिंग को मैं उनको 2 से 3 घंटे में कंप्लीट करवाऊँगी और प्रॉपर गाइडेंस दूंगी कि जिससे उनको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. आप वर्किंग लेडी के साथ एक मदर हो तो आप किस तरह से आपकी लाइफ को सेट करते हो? मैं बहुत लकी हूँ इस बात में क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं या मेरे पेरेंट्स हैं और स्पेशली जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके. मुझे उनकी सपोर्ट है तभी आज मैं इस चीज़ के लिए बाहर आई हूँ. मैंने शादी के बाद कुछ साल के लिए गैप रखा और फ्रीलांसिंग करती रही. तो उसके बाद जब मैंने इस कंपनी के साथ जुड़ने का प्रस्ताव रखा अपने घर पे तो सब ने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया. इवन मेरा 6 साल का बेटा है तो वो भी मुझे हर वर्कशॉप से पहले बेस्ट ऑफ लक बोलता है और मुझे अच्छे से जाने के लिए कहता है. तो वो भी समझता है. मुझे लगता है कि वो मेरी शायद मैंने शुरू से ही उसको बताया कि हाँ मम्मा इस चीज़ के लिए पैशनेट है तो बेटा मम्मा को इस चीज़ में काम करना है, तभी वो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है. और मेरे इन लॉज भी बहुत इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि अगर आपका पार्टनर अच्छा हो और वो आपको सपोर्ट करे तो बहुत सी चीज़ें इजी हो जाती हैं. आपके ये मिशन में सूरत के लोगों को जुड़ना है तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं? हम लोगों का एक वेबसाइट भी है www.thecrimsoncanvas.com और उसमें आप स्लैश लेके सूरत का अगर आपको वर्कशॉप अटेंड करना है तो आप उसमें सूरत का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. उसमें हमारे अपकमिंग सब इवेंट्स की डिटेल रहती है या हम क्या क्या इवेंट्स कर चुके हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल में पता लग जाएगा. वहाँ पे कुछ अभी हम ब्लॉग भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको हमारे जो भी मीडिया कवरेज रहेगी या हम किस फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, किस एनजीओ के साथ हम काम कर रहे हैं और उसमें हमने कितने बच्चों को सिखाया अभी तक, उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी. मोर ओवर अभी जैसे जो पेंट टू एम्पावर हम लोगों का मिशन है उसमें हम आगे जाके इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि जैसे हम लोग कुछ बच्चों का सिलेक्टेड जो बहुत अच्छा उनमें से कुछ बच्चे कुछ बहुत अच्छा आर्टवर्क बनाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम ऑनलाइन सेल भी करें. तो उसका जो भी फंड मिलेगा वो हम लोग उस ट्रस्ट को या स्पेशली उस बच्चे की आगे पढ़ाई के लिए यूज़ करना चाहेंगे. कोई भी इवेंट या कोई भी वर्कशॉप करना होता है तो फाइनेंशियल हेल्प के बिना वो कुछ नहीं हो पाते, तो आपने किस तरह से फाइनेंशियल को किस तरह से मैनेज किया? जब मैं इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने का सोच रही थी तो मेरे दिमाग में भी था कि फ्रेंचाइजी लेना मतलब एक फाइनेंशियल स्टेप लेना है. तो उसमें मतलब मेरे पार्टनर्स जो सिनेल और विक्टर मोहन है उन्होंने भी काफ़ी मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया. और उसके बाद जब फाइनेंशियल डिसीजन लेने की बात थी तो मैंने ऑब्वियसली अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने और मेरे इन लॉज ने मिलके मतलब मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया और फिर उन्होंने मेरी हेल्प की कि हाँ वो एक्चुअली मैं उनको मुझे लगता है कि उन्होंने शायद मेरे पैशन को देखा या उसको समझा कि इस फील्ड से उसको वो चीज़ करने को मिलेगी जिसके लिए वो काफ़ी सालों से मेहनत कर रही है, तो इसलिए उन्होंने मेरी फाइनेंशियली हेल्प की. आने वाले समय में आप क्या नया प्रेजेंट करोगी? हाँ, हम लोगों का सबसे यूनिक पॉइंट यही है कि हम लोग किसी भी जो अपने टॉपिक रहेगा या कोई भी पेंटिंग को हम रिपीट नहीं करेंगे. आने वाले टाइम में मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे आर्ट फॉर्म्स को यहाँ पे लोगों को सिखाऊं और बहुत अच्छी अच्छी तरह की पेंटिंग्स यहाँ पे मैं लोगों को सिखाऊं.
तो हर बार कुछ नया थीम होगा, कुछ हो सकता है कुछ नए मीडियम्स भी हों. अभी तक हम एक्रेलिक में काम कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में मैं और मीडियम्स को भी टारगेट करूंगी. आपने हमारे दिव्यांग भवन और हमारे पद्मश्री कनुभाई टेलर की मुलाकात ली, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? मैंने जब उनसे मैं पहली बार मिली तो मैंने उनके उनसे इस बात की कि मैं पेंट टू एम्पावर मिशन के तहत यहाँ पे कुछ करवाना चाहती हूँ. तो रचना मैम और श्री कर्णुभाई टेलर जी, उन्होंने उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उनको मेरा ये मिशन और इसके पीछे जो छुपी हुई भावना है वो उसको समझे और उनको पता लगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हम करवा सकते हैं. उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया. और यहाँ पे स्कूल में एक आर्ट टीचर है, उन्होंने मेरे लिए वो 20 बच्चे सिलेक्ट किए, उसमें मेरे को हेल्प की. क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को ही आर्ट को आर्ट के प्रति रुचि हो, तो उन्होंने मुझे कुछ सिलेक्टेड बच्चे दिए जो सच में वो चीज़ को करना चाह रहे थे, जो सच में उस चीज़ को सीखना चाह रहे थे. ताकि ना तो हम लोग मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ही सिखा पाऊँ जो सच में इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं. आपने ये डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में पता कैसे चला आपको? एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मैं 4 साल से सूरत में हूँ, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं. तो उनके साथ मैं एक दो बार स्कूल को विजिट किया था, तो मुझे स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत पसंद आया. कि बच्चे ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये लगता है कि डिसेबिलिटी जो है वो माइंड में होती है. आपके बॉडी पार्ट्स या आपके फिजिकली डिसेबिलिटी को के कोई मायने नहीं है. यहाँ पे जो बच्चे हैं वो इतने एनर्जेटिक और इतने उन लोगों को उत्सुकता थी हर चीज़ की. तो मुझे जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के मैंने तब से मेरे माइंड में यहाँ पे कुछ करने के लिए था. और जैसे ही मुझे मौका मिला कि मैं इस कंपनी के साथ जुड़ी, तो सबसे पहले मुझे श्री कर्णुभाई टेलर के साथ मीटिंग की ही याद आई कि मुझे उनके साथ ही शुरुआत करनी है. आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे हर कोई आर्टिस्ट तो नहीं बन सकता, लेकिन आर्ट के प्रति रुचि लोगों को होती है और उसको ही पूरा करने के लिए मैं आपकी हेल्प में हाजिर हूँ कि आप मेरी वर्कशॉप में ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें और उसके साथ हम अपने मिशन को भी प्रमोट कर सकें. अभी तक जैसे मेरे साथ जितने मैंने सिर्फ 4 वर्कशॉप्स ही की हैं अभी तक सूरत में, लेकिन मेरे साथ इंजीनियर से लेके डॉक्टर्स तक भी जुड़े हैं. और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि मैम हम लोग करना चाहते थे आर्ट, बट हम लोगों को प्रोफेशनली नहीं बनना था आर्टिस्ट, बट हमारे अंदर रुचि थी तो उसी रुचि के लिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं. कुछ लोग अपने फील्ड में ऐसे, जैसे मैं हर वीकेंड पे क्लासेस लेती हूँ, तो कुछ लोग अपने सारे हफ्ते की टेंशन को बस्ट करने के लिए एज ए स्ट्रेस बस्टर और एज ए मेडिटेशन उसको लेते हैं और मेरे साथ पेंटिंग करते हैं. उनको लगता है कि पेंटिंग करने से उनके माइंड रिलैक्स हो रहा है. तो मैं यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आर्ट प्रोफेशन ही हो आपका तो आप हमारे साथ जुड़ें. आप किसी भी फील्ड से हो, आप कुछ भी करते हो, लेकिन आप तब भी पेंट कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि एनीवन कैन पेंट. थैंक यू सो मच निधि जी, दिव्यांग न्यूज चैनल के साथ बात करने के लिए. थैंक यू सो मच मैम.